ए ब्यूटीफुल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का प्राज्ञा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। करंट विद कॉन्सेप्ट की क्लास सुबह 6 से 7 होती है दोस्तों, करंट विद कॉन्सेप्ट क्लास सुबह 6 से 7। और बिना किसी की देरी के शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले कॉपी और पेन अपने साथ रखिए और जो मैं लिखाऊँ आपको नोट करते रहिए। पहला क्वेश्चन देखने को मिलता है हमें सामने। पहला क्वेश्चन है, आपने कल का ही अगर अखबार देखा होगा तो आपको सबसे पहले हेडलाइन यही मिली होगी कि सरकार द्वारा हाल ही में किस वैक्सीन को भारत में आयात करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमारे पास आज की तारीख में इंडिया के अंदर हमारे पास में 3 वैक्सीन अवेलेबल है। पहली जो देखते हैं हमारे द्वारा बनाई गई है कोवैक्सीन। दूसरी जब हम बात करते हैं हमारे पास है कोविशील्ड। कोविशील्ड और तीसरी हम बात करते हैं जो रशिया से ली हमने, वो है स्पुतनिक वी। ये 3 वैक्सीन हैं जो हाल ही में हमारे इंडिया के द्वारा यूज़ में की जा रही है। अब एक चौथी वैक्सीन और आ जाएगी, चौथी ऑक्सीन वैक्सीन हो जाएगी, उसका नाम है मॉडर्ना। ये चौथी वैक्सीन होगी, ध्यान रखिएगा, ये चौथी वैक्सीन होगी। तो इसके लिए भारत सरकार ने क्या परमिशन दे दी है, इसके लिए क्या भारत सरकार ने परमिशन दे दी है। देखिए, ये फुल टाइम परमिशन नहीं है, ये आपातकालीन सीमित उपयोग के लिए है, सब आपातकालीन सीमित उपयोग के लिए। और भारत के किस कंपनी को यह परमिशन दी है आयात करने के लिए, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वो भी आप लिख लीजिए किस कंपनी को दी है। तो लिखेंगे यहाँ पे मुंबई बेस्ड एक फार्मा कंपनी मुंबई बेस्ड फार्मा कंपनी जिसका नाम है सिप्ला। ये क्या करेगी, इंपोर्ट करेगी साहब, अभी बनने की बात नहीं हो रही यहाँ पे, इंपोर्ट करेगी, दैट इज कॉल आयात करेगी साहब, अभी बनने की बात नहीं हो रही है कि है उसको आयात करेगी। और भारत सरकार ने क्या किया, एक सीमित समय के लिए, एक आपातकालीन सीमित समय के लिए इसकी परमिशन दी है। अब देखिए, परमिशन जो दी जाती है किसके द्वारा दी जाती है, देखिए ध्यान रखिएगा, जो परमिशन दी जाती है, मंजूरी दी जाती है किसके द्वारा, कोई भी दवाई है, कोई भी वैक्सीन है, इसके निर्माण की ध्यान रखा, मंजूरी दी जाती है, इसके जो वितरण की मंजूरी दी जाती है किसके द्वारा दी जाती है, तो देखिएगा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये मैं पढ़ा चुका हूँ इनके बारे में, तो लिखिएगा पहले ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो बेसिकली इसका काम क्या है, जितने भी अपने पास में दवा, देखिए जब दवाओं का निर्माण होता है, लिखिएगा दवाओं का जितना निर्माण होता है, जितना दवाओं का निर्माण होता है, आयात होता है, बिक्री होती है, वितरण होता है, वैक्सीन का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा, उसको परमिशन मिलती है एक्सेट्रा, सारे के सारे जो परमिशन होती है वो यहीं पे, तो थोड़ा वो उसको बढ़ा दीजिए, सॉरी, हाँ ठीक है, तो इसको थोड़ा, जितने भी परमिशन होती है सारे के सारे किसके दी जाती है अपने पास में, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा दोस्तों दी जाती है, ध्यान रखिएगा आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। अभी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया आता किसके अंडर है, तो ये भी लिख लीजिए, आपसे एग्जाम में पूछा सकता है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया किसके अंडर आता है, तो लिखिएगा किसके अंडर आता है, लिखिएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है, के अधीन, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, कई बार बच्चे थोड़ा भूल जाते हैं, तो इसलिए आपको यह पता होना चाहिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यह पता आपको होना चाहिए। अगली बार देखते हैं, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या रहेगा। सरकार द्वारा हाल ही में किस वैक्सीन को भारत में आयात करने की मंजूरी दे दी गई है। देखिए, फाइजर अभी तक हमारे पास में नहीं आई है, जॉनसन एंड जॉनसन भी अभी तक नहीं आई है, इसका आंसर है मॉडर्ना। और दिखने में कैसी होती है, देखिए तीनों चीज़ें बता रखा है, DGCI लिख लीजिएगा, काम क्या करता है लिख लीजिएगा, किसके अधीन आता है ये आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, और किस कंपनी के द्वारा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम के पर्पज से, किस कंपनी द्वारा इसको इम्पोर्ट किया जाए सिप्ला, तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है पहले कहता हूँ उनको आपको नोट डाउन करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब कितनी वैक्सीन हो गई है हमारे इंडिया में, अब इंडिया में कितनी वैक्सीन हो गई, साहब 4 वैक्सीन हो गई है,
इंडिया में अब कितनी वैक्सीन हो गई है हमारे पास में, चार, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पूतनिक और अपने पास मोडाना, चौथी मोडाना है, ध्यान रखिएगा। देखने में कैसी होती भैया देख लीजिए इसको भी, ये रही मोडाना, ठीक है। अब बेसिक सी सी बातें सारी सारी मैं वापस एक बार लेता हूँ आपको, ठीक है। DGCI जो इसके अंदर मेन मेन जो पॉइंट्स थे वो हम यहाँ पर देख लेंगे। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा होगा, मुझे ही नहीं दिख रहा है यहाँ से दिख रहा, हाँ ठीक है अब सही। तो DGCI है पहली बात, DGCI जिस तरह परमिशन दी जाती है किसके अंदर में आता है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, मंत्रालय के अधीन है, मंत्रालय के अधीन है। सबसे पहली बात तो आप बात करते हैं मॉडर्ना की जो परमिशन दी है लाने की भैया इंडिया में इम्पोर्ट करने की, मॉडर्ना का इम्पोर्ट किसके द्वारा किया जाएगा, सिप्ला के द्वारा, सिप्ला के द्वारा आपके एक का किया जाएगा, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़। अब वैक्सीन कितनी हो चुकी है इंडिया में, देखिए भारत में, अब भारत में अब कुल चार वैक्सीन हो गई है, कुल चार, हालांकि इसको आम आदमी पहुंच तक लाने में टाइम लगेगा। चार कौन कौन सी होगी बता दीजिएगा, चौथी अपने पास में मोडर्ना है, बाकी तीन हमको पता है कौन कौन सी अपने पास में, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पूतनिक, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, कोवैक्सीन अपने पास में, कोवैक्सीन होगी, कोवैक्सीन होगी, कोविशील्ड और स्पूतनिक, और चौथी अपने पास में मोडर्ना, ध्यान रखिएगा। तो आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में देखेंगे, हाल ही में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप देखिए, ट्विटर आए दिन न्यूज़ में है, अभी रिसेंटली ट्यूजडे और ट्विटर वापस न्यूज़ में था, ट्विटर अब वापस ये भी न्यूज़ में था, वापस न्यूज़ में क्यों आ गया था साहब, ये इसने क्या किया था, जो इंडिया का मैप था, इंडिया का जो मैप था उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया था साहब, गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया था, इसलिए फिर से न्यूज़ में आ गया था। अब मैं वापस ट्विटर की पूरी टाइमलाइन समझाऊंगा आपको, और खास दूसरी बात और थे, जो ट्विटर का जो ग्रीवेंस ऑफिसर था, ग्रीवेंस ऑफिसर था, उसने क्या इस्तीफा दे दिया था, इस्तीफा देने के बाद में इन्होंने अपॉइंट किया एक विदेशी आदमी को ग्रीवेंस ऑफिसर, जो कि हमारे IT रूल्स के खिलाफ था, और शायद इसको हो सकता है आपको देखिए बैन होने का पूरे कगार पर चल रहा है, ट्विटर पूरी ऐसी हरकतें कर रहा है जो बैन हो सकता है, ठीक है। और काफ़ी कंट्रीज़ में बैन हो भी गया है पहले ऑलरेडी, नाइजीरिया की हम बात कर चुके थे। तो साहब इसने क्या कहता, देखिए आप पता लग जाएगा, इसने अपनी साइट पर इंडिया का गलत मैप दिखाया था, जिसमें इसने जम्मू एंड कश्मीर, आप देख सकते हैं, जिसमें इसने जम्मू एंड कश्मीर, देखिए जम्मू एंड कश्मीर ऊपर वाला दिख रहा है, ये हमारा ओरिजिनल इंडिया के मैप में हमारे कुछ ऊपर का इस प्रकार से दिखता है, ठीक है, इस प्रकार से इसको दिखता है, इस प्रकार से दिखता है। तो इसने क्या किया, जो जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया है ना, इसको तो क्या कर दिया, ओ फ्री दिखा दिया, इसको फ्री दिखा दिया, बिल्कुल फ्री, मतलब ये अलग से कोई, जैसे अपने पास में अलग नेशन है, फ्री नेशन दिखा दिया इसको, फ्री नेशन इसको दिखा दिया। और देखिए आप लद्दाख तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, मतलब इसने इस एरिया को तो फ्री दिखा दिया, फ्री नेशन दिखा दिया, और जो ये एरिया चाइना को दे दिया, देखिए यहाँ पे दिख ही नहीं रहेगा आपको, दिखाता हूँ मैं थोड़ा, आप देख लीजिए यहाँ पे जो यहाँ पे है, इसको चाइना को दे दिया, इस एरिया को चाइना को, अकॉर्डिंग टू देम यहाँ पे चाइना को दे दिया साहब। तो आप देखिए किस तरह से हरकतें कर रहा है, बैन होने के कगार पे, इसको बैन कर देना ही चाहिए, क्योंकि इसके ऐसी हरकतें नहीं है ट्विटर, क्योंकि कोई भी कंपनी, देखिए कोई भी कंपनी जब आपकी संप्रभुता पर ही सवाल खड़ा कर देती है तो फिर क्या मतलब है भाई, तो मतलब वो कंपनी इतनी बड़ी थोड़ी ना, किसी सरकार से किसी देश से बड़ी थोड़ी कंपनी हो जाती है, देखिए बात रखिएगा। तो इस सरकार को इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, हो सके तो बैन कर दो, कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा, कू ऐप है हमारे पास, ठीक है, हमने बात की थी इसके बारे में, चर्चा की थी, भारत के कू ऐप है ट्विटर की जैसे ही है, ठीक है। तो इसका और इसने पूरा टाइमलाइन बताऊंगा अभी आपको, पहले इसको समझ लीजिए। तो इसने कहा था कि पहले अपने पास में जम्मू एंड कश्मीर को एक फ्री नेशन दिखा दिया, एक स्वतंत्र राष्ट्र दिखा दिया, और खास बात क्या है, और जो लद्दाख वाला एरिया था, जो मैं बताया आपको ये लद्दाख वाला, उसको ऊपर चाइना के अंदर मिला दिया, मतलब हमारी जो सीमाएं थी उनके सामने छेड़छाड़ की, उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया, और ये कतई ना मतलब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ये देखिए ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो स्ट्रिक्ट एक्शन इस पर लिए जाने चाहिए। इससे पहले टाइमलाइन देख लीजिए, अब इसकी टाइमलाइन, इसने हरकतें क्या क्या थी ट्विटर की, हरकतें क्या क्या की। और दूसरी खास बात थी, मैं बताया था आपको यहाँ पे, जो ग्रीवेंस ऑफिसर था, जो ग्रीवेंस ऑफिसर शिकायत अधिकारी बोल दीजिए, शिकायत अधिकारी ग्रीवेंस ऑफिसर था, उसने क्या इस्तीफा दे दिया था साहब, इस्तीफा दे दिया था। तो फिर इसकी जगह जो भारतीय था पहले, जहाँ पे भारतीय था, ये भारतीय होना चाहिए, देखो भारतीय था, उसकी जगह एक विदेशी को जो मूल रूप से अमेरिका था, विदेशी को ग्रीवेंस ऑफिसर बनाएगा। देखिए हमारे IT रूल्स के अकॉर्डिंग, हमने पहले हरविंदर सिंह जाटो जी, गुड मॉर्निंग जी,
तो भाई बात करते हैं हमारे आईटी रूल्स के अकॉर्डिंग, हमने पहले तय कर रखा है कि जो ग्रीवेंस ऑफिसर होगा इंडिया का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक, जो बाहर का नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने कहा विदेशी को बना दिया, तो फिर दूसरे फिर यहाँ पे कहा कि फिर से इन्होंने जी क्या चैलेंज कर रहे, पता नहीं क्या चाहिए इनको, ये चैलेंज कर रहे हैं बार बार कि तुम हमारा कुछ नहीं खा सकते, तुम्हारा कुछ नहीं खा सकते, बताइए। अब देखिए मैं आपको समझाऊंगा, देखिए हम क्या दिमाग इसलिए नहीं लगा रहे हैं, देखिए समझिए आप। फेसबुक के करीबन हमारे आप देखेंगे तो आप करीबन 50 करोड़ के आसपास, हाँ 53 करोड़ के आसपास आप देखेंगे यूजर्स हैं 53 करोड़ के आसपास। और आप जब ट्विटर की बात करते हैं ट्विटर की, तो 1.75 करोड़ यूजर्स हैं केवल। ट्विटर हमारे देश में से इतना नहीं कमाता जैसे फेसबुक के करीबन 1200 करोड़ लास्ट ईयर जो इसका फाइनेंशियल ईयर में जो इसका मतलब देखिए कमाया था इसने, यहाँ से अर्निंग की थी 1200 करोड़ रुपये की अर्निंग की थी। राहुल तिवारी जी प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं राहुल तिवारी जी आप? और मानू प्रजापत जी गुड मॉर्निंग मानू प्रजापत जी। देखिए बात करते हैं तो फेसबुक का जो टर्नओवर है वो भारी भरकम है, 1200 करोड़ रुपए का टर्नओवर। अब देखिए पैसे कमाते कैसे, आपने अगर कभी सोशल साइट यूज़ की होगी तो आपने वहाँ पर देखा होगा स्पॉन्सर्ड वीडियो आते, कभी स्पॉन्सर्ड पिक्स आती है आपके पास में, ठीक है हमारे भारत को चैलेंज करेंगे ये है, हाँ तभी तो यही तो प्रॉब्लम है। ठीक है बात करते हैं, तो अपने पास फेसबुक आप चलाते हैं, अपने इंस्टाग्राम वगैरह कुछ भी चलाया होगा, ट्विटर चलाया होगा, तो आपको पता लगा कि वहाँ पर स्पॉन्सर्ड वीडियो आते हैं, स्पॉन्सर्ड पीछे पिक्स वगैरह सारी की सारी चीज़ें आती हैं। तो ये स्पॉन्सर्ड चीज़ें आती हैं तो क्या करते हैं, ये उनसे पैसे लेते हैं कि हम आपका क्या करेंगे स्पॉन्सर करेंगे वहाँ पर चलाते हैं। ठीक है ध्यान, कोई भी मान लीजिए आपके पास में नई कंपनी खुली है, नई कंपनी खुली उसको प्रचार करना है तो क्या करेंगे, इसको फेसबुक पर थोड़ा पैसा देंगे कि हम आपको 10-20 लाख रुपये देते हैं कि आप हमारा ऐसा ऐसा चलाओ। तो ठीक है इससे संबंधित जिसके भी डेटा तो उनके पास भरा पड़ा होता है, जो किस जिससे संबंधित मान लीजिए पढ़ाई से संबंधित है, कोई बच्चा पढ़ाई से संबंधित ज़्यादा वीडियो देखता है अपने पास फेसबुक पे, तो ऑटोमेटिक है उसके पास में वो स्पॉन्सर वीडियो आने लग जाएंगे। ठीक है ध्यान रखिएगा ये तकनीक होती, तो इससे इन्होंने कितने 1200 करोड़ कमाए। जबकि आप अपने बात करेंगे ट्विटर की, जब आप ट्विटर की बात करेंगे तो ट्विटर ने ऐसा कुछ नहीं 56 करोड़ रुपये कमाया बस केवल इंडिया से, ज़्यादा कमाई नहीं होती इसके यहाँ पे पहली बात तो इंडिया से, शायद इस वजह से इनको लग रहा है कि हाँ बैन भी कर देंगे तो भी क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है क्योंकि बिलियंस ऑफ की कंपनी है, बिलियंस को कंपनी को बड़ी बात नहीं है इनके लिए 56 करोड़ रुपए तो, लेकिन फिर हमारे लिए तो बड़ी बात है कि हमारी सॉवरेंटी को चेंजेस जैसे ऐसे चैलेंज कर रहे हैं लोग। ठीक है तो पहली बात अब इसकी पूरा का पूरा स्टार्टिंग कहाँ से होती है, देखिए स्टार्टिंग बहुत पहले से हो जाती है। देखिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो पर्सनल हैंडल है, पर्सनल अकाउंट का जो हैंडल है उसको इन्होंने ऑथराइज, जो ब्लू टिक था वो हटा दिया सबसे पहले, तो ब्लू टिक था वो हटा दिया था इन्होंने, मैं बता चुका हूँ आपको इस बारे में। ब्लू टिक जो ऑथराइज करता है कि हाँ भाई ये एक ऑथराइज और ये एक ऑथराइजेशन है कि भैया कम से कम ये अपने पास में क्या सही व्यक्ति है या ऑथराइज पर्सन है जिसके बातें मानी जा सकती है। ठीक है वरना ऐसे तो सब हर कोई वाइस प्रेसिडेंट बन के घूमेगा, आपको मैंने बता चुका है पहले भी है। ठीक है दूसरी बात क्या देखी थी, इन्होंने हमारे IT मिनिस्टर का अकाउंट ही बंद कर दिया था। देखिए इंपॉर्टेंट बात मतलब IT मिनिस्टर का अकाउंट ही अगर मान लीजिए सस्पेंड हो सकता है तो किसी का भी हो सकता है। ठीक है IT मिनिस्टर का अकाउंट ही इन्होंने सस्पेंड कर दिया था थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में घंटे भर में चालू कर दिया था। अब वो थोड़ा और बाकी बात में करते हैं, फिर इन्होंने घटना घटित करी, ग्रीवेंस ऑफिसर का इस्तीफा दे दिया था, ग्रीवेंस ऑफिसर ने क्या विदेशी को बना दिया ग्रीवेंस ऑफिसर, फिर घटना घटी ये वाली। ठीक है इन्होंने इंडिया का अपने पास में जो मैप था उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया, तो भाई ट्विटर अगर थोड़े दिनों में बैन हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, ये हमारे क्या IT रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, जो हम जब भी IT रूल्स लाए हैं इसको फॉलो नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों इसको सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो इसके ऑनर हैं CEO हैं वो जो है जैक डॉर्सी, सर क्या मामला है ट्विटर का थोड़ा डिटेल में समझा दीजिए सर प्लीज़। आपने पुराने वीडियो नहीं देखे क्या तिवारी जी, शायद मेरे अब ना आपको पूरा पूरा समझ में आया था, हमें देखो बेसिकली जो जो है ट्विटर क्यों नहीं कर रहा, ट्विटर को क्या IT रूल्स फॉलो नहीं करने साहब, और ट्विटर क्या है बेसिकली जो ट्विटर के ऑनर है जैक डॉर्सी वो क्या एक लेफ्टिस्ट है, मतलब वो लेफ्ट वाली पार्टियों को ज़्यादा सपोर्ट करता है, और हमारे अभी इंडिया के अंदर राइट विंग की गवर्नमेंट है साहब, क्योंकि लेफ्ट विंग की गवर्नमेंट हमारे नहीं है, ध्यान रखिएगा जो BJP है उसको राइट विंग की गवर्नमेंट माना जाता है, और जहाँ जहाँ राइट विंग की गवर्नमेंट होती है ट्विटर क्या करता है वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता रहता है, क्योंकि जो वो खुद की उनकी जो सोच है उनकी विचारधारा है वो लेफ्ट वाली है, वो यहाँ पर ही नहीं अगर मान लीजिए अपने पास USA के अंदर भी है तो वहाँ पर भी जो राइट विंग की और लेफ्ट विंग की उसमें भी वो करता रहता है डिफ्रेंसेस करता रहता है। ठीक है तो बेसिक मामला यही है कि IT रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, और हम जो प्रेशर बनाते हैं उसके ऊपर IT रूल्स फॉलो करने के लिए तो फिर प्रॉब्लम क्या आती है, कुछ ना कुछ हरकतें कर देता है, जैसे कि मैंने देखा अब इसके खिलाफ में जब इसने अपना हमारा जो मैप था उसको क्या कर दिया, उन्हें विकृत कर दिया, तब UP और MP के अंदर ट्विटर के खिलाफ UP and MP के अंदर FIR करवाई गई। अब आप बोलेंगे साहब इनको तो FIR हो ही नहीं सकती, बिल्कुल हो सकती है, जो ट्विटर का नहीं सर पुरानी वीडियो नहीं देख पाया सर, पुलिस की नौकरी में टाइम ही नहीं मिल पा रहा, अच्छा अच्छा
चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या होता था कि अपने पास में ट्विटर है, ये क्या नए आई टूल्स लाए गए थे हमारे इंडिया के अंदर, हमारे इंडिया में फैब के अंदर नए आई टूल्स लाए गए थे। तो सोशल कंपनीज को कहा था कि भैया एक काम करो, आप हमारे रूल्स आई टी रूल्स फॉलो करो, ठीक है। तो उसमें ग्रीवेंस ऑफिसर के लिए कहा था, कंप्लाइंस ऑफिसर के लिए कहा था कि आप ग्रीवेंस ऑफिस शिकायत अधिकारी आपको करना पड़ेगा नियुक्त, और कोई भी ऐसी कोई एक ऐसी कोई भी हमारे पास में कॉन्टेंट आता है, ऐसा कोई भी कॉन्टेंट आता है जिससे हेटरेट पहुँचती है, भारत की संप्रभुता को खतरा होता है, आपको उसको डिलीट करना पड़ेगा। ट्विटर से भी कहा गया था कि आपको भी इसे डिलीट करना पड़ेगा। तो इसी के बाद में यूपी के अंदर, गाजियाबाद के अंदर एक हरकत होती है, यूपी गाजियाबाद में एक पर्टिकुलर धर्म के व्यक्ति का पिटाई कर दी जाती है, ठीक है, दूसरे लोगों के द्वारा, और यह फैलाया जाता है कि भैया इसको क्या कर रहे हैं, दूसरे धर्म के लोग इसको मार रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा करके वो काफ़ी सेलिब्रिटीज़ वगैरह थे, उनके द्वारा भी वो वीडियो वायरल करवाया जाता, मतलब आगे शेयर किया जाता, ध्यान किया। फिर बाद में पता लगता है, जब पुलिस जाँच करती है पता लगता है कि वो आपस में ही लड़ रहे थे, कोई धर्म का मामला था ही नहीं, ठीक है। तो वो हेटरेट वाला पूछ रहा था, लेकिन ट्विटर ने उसको क्या डिलीट नहीं किया, तो इस वजह से क्या किया, जो आई टी रूल्स फॉलो नहीं किया, हमारे आई टी रूल्स फॉलो नहीं किए, तो इस वजह से हमने क्या किया, ट्विटर का जो अपने पास में सेफ हार्बर था, ठीक है, लीगल प्रोटेक्शन होता था। अब लीगल प्रोटेक्शन क्या होता है ये भी समझ लीजिए आप, लीगल प्रोटेक्शन क्या होता है मैंने बताया है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, लीगल प्रोटेक्शन या सेफ हार्बर बोल दीजिए, सेफ हार्बर या लीगल प्रोटेक्शन बोल दीजिए, या फिर और करके लीगल प्रोटेक्शन बोल दीजिए, सेफ हार्बर या लीगल प्रोटेक्शन बोल दीजिए। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप सोशल मीडिया पर जाते हैं, सोशल मीडिया पर आप गए, कुछ भी लिखा, ठीक है, तो उसके लिए केवल आप रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सोशल मीडिया का आपको केवल प्लेटफॉर्म देता है, दैट इज कॉल्ड लीजिए, केवल सोशल मीडिया क्या देता है, प्लेटफॉर्म देता है क्या, सोशल मीडिया केवल आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है। पुलित खंडेलवाल जी, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं पुलित जी आप? तो भैया बात करते हैं साहब, ये सोशल मीडिया का करता है, आपको केवल और केवल प्लेटफॉर्म देता है, उसके ऊपर जो भी आप लिखते हैं उसके लिए केवल आप रेस्पॉन्सिबल है, सोशल मीडिया रेस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन क्या ट्विटर अपन नए आई टी रूल्स फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए जो उसकी लीगल शील्ड थी या लीगल, इसको और बोलेंगे तो लीगल प्रोटेक्शन या लीगल शील्ड बोल दीजिए। देखिए क्या है, किसी भी नाम से आपसे पूछा सकता है, सेफ हार्बर के नाम से आपसे एग्जाम पूछ सकता है, लीगल प्रोटेक्शन के आपसे नाम से पूछ सकता है, लीगल शील्ड के नाम से आपसे पूछा, लीगल शील्ड जो इसकी लीगल शील्ड थी, लीगल शील्ड उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अब तात्पर्य क्या था, लीगल शील्ड हटाने के बाद में क्या हुआ, अब वो क्या हो गया अपने पास में, अपन ट्विटर के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। पहले तो अपन एफआईआर नहीं कर सकते, पहले तो एफआईआर क्या, जो व्यक्ति कुछ भी लिख रहा है ट्विटर के ऊपर उसी व्यक्ति के खिलाफ लिखते थे, अब ट्विटर के खिलाफ भी हो सकती है एफआईआर, क्यों, क्योंकि आईटी रूल फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास में यही वॉर है ट्विटर की, तो आप देखेंगे तो यही वॉर है, ट्विटर आईटी रूल फॉलो करना नहीं चाहता है, उसके ज्यादा अंतर भी नहीं पड़ रहा है। मैं बताया था आपको 1.75 यूजर्स हैं, करोड़ यूजर्स हैं, केवल करोड़ यूजर्स हैं ट्विटर के, और पिछले फाइनेंशियल ईयर में 56 करोड़ रुपये कमाए उन्होंने इंडिया से, केवल मात्र 56 करोड़, जबकि फेसबुक का आप टर्नओवर देखेंगे तो 1200 करोड़ के आसपास है साहब टर्नओवर, ध्यान रखिएगा आप, मतलब इतने इतने पैसे कमाए इन्होंने यहाँ से, तो इसलिए ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा इनको यहाँ पैसे निकलने में, और निकल भी देना चाहिए इनको, ठीक है। तो बेसिकली फिर इन्होंने पूरी पूरी चैन होती है यहाँ पे, हमने बताया था, फिर क्या क्या किया इन्होंने, वाइस प्रेसिडेंट का जो पर्सनल हैंडल था उस पर ब्लू टिक हटा दिया इन्होंने, फिर उसके बाद में क्या आईटी मिनिस्टर का अकाउंट सस्पेंड कर दिया इन्होंने, बताइए। फिर बाद में यूपी और एमपी के अंदर इसमें जो वीडियोज आए थे हेटेड वाले, उनको डिलीट नहीं किया इन्होंने, फिर इसके खिलाफ यूपी गाजियाबाद में अपने पास में यूपी गाजियाबाद में इसके पास में एफआईआर भी करवाई गई, और फिर बाद में जो ग्रीवेंस ऑफिसर था, देखिए कितने ग्रीवेंस अधिकारी था, हमने कहा था कि आईटी रूल्स के अंदर कि भाई इंडियन होना चाहिए, लेकिन इंडियन नहीं किया, उन्होंने विदेशी को कर दिया नियुक्त, ठीक है। तो सारी सारी चीज़ें एक के बाद एक घटनाएं घटित होती गई, फिर ठीक है, इनके जो अपने पास में एमडी थे महेश्वरी जी, उनको भी कोर्ट पे समन किया गया था, हालांकि छोड़ दिया गया था बाद में, लेकिन बार बार फिर परेशान हो गए, तो ग्रीवेंस ऑफिसर ने तो इस्तीफा ही दे दिया था, ठीक है। तो सारी सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, तो इसका आंसर जो देखेंगे हम, आंसर देखेंगे कि भैया हमारा जो आंसर है वो क्या है, हाल ही में किस सोशल मीडिया द्वारा भारत के विकृत मानचित्र को दर्शाया गया, ध्यान रखिएगा, ट्विटर के द्वारा, ट्विटर को विकृत मानचित्र को दर्शाया गया, ध्यान रखिएगा, डिस्टोर्टेड अपने पास मैप को दिखाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, तिवारी जी आप पुराना वीडियो देखिए, इसमें मैंने पूरा कोशिश किया कवर करने की, सारी सारी एक चीज़ें, बाकी आप पुराना वीडियो देखिए, उसमें आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बात करते हैं आगे, नंबी नारायण, नंबी नारायण के संबंध में सत्य कथन, देखिए बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, बहुत फेमस पर्सनैलिटी थे, एक समय में काफ़ी विवादों में रहते, अभी न्यूज़ में वापस देखे गए, न्यूज़ में क्यों देखे गए, इसका कारण है क्योंकि इन्होंने क्या किया था, सीबीआई, इन्होंने अपने पास में 2017 के अंदर, 2017 पूरा केस बताऊंगा, 2017 में इन्होंने कुछ पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर कहा था इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि इन्होंने बिना किसी सबूत के इनको गिरफ्तार किया, इनके साथ हाथापाई की, इनको मारपीट की, ध्यान रखिएगा। और इनके ऊपर एक फिल्म भी बन रही है, वो बताऊंगा आपको, फिल्म भी बन रही है, उसका नाम है रॉकेटरी, आर माधवन उसके अंदर बहुत अच्छे एक्टर हैं, आर माधवन देखिएगा, अगर फिर पिक्चर पता नहीं मुझे रिलीज हुई है कि नहीं हुई, तो वो उनके द्वारा इनका जो रोल है वो अदा किया जा रहा है, ठीक है, अभिनय किया जा रहा है। ये है हमारे सामने नंबी नारायण साहब, देखिए बहुत ही
जाने माने अपने पास में साइंटिस्ट है, इसरो के साइंटिस्ट है जो भी जाने माने देखेंगे, फिर हम पूरी चीज़ समझेंगे कि भैया क्या सिस्टम था और ये क्यों न्यूज़ में थे, सारी सारी चीज़ें। देखिए मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, आपको मज़ा आएगा चीज़ों के मतलब पढ़ के। बस आप हमारी क्लास में रेगुलर लीजिए और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी एग्जाम के समय। अब बात करते हैं, हमारे पास नम्बी नारायण जी साहब, नम्बी नारायण जी हैं, नम्बी नारायण जी, नम्बी नारायण, नारायण बोल दीजिए, नारायण बोल दीजिए, कोई बात नहीं है, नारायण थे, नम्बी नारायण जी है, ये कहते हैं मैं फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट थे साहब। ये कौन थे? हमारे इसरो के भूतपूर्व वैज्ञानिक थे, लिखेगा इसरो के फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट, यहाँ पे जगह नहीं है, आपको फोटो दिख गई, अगला दिखते हैं अपन। यहाँ पे कौन थे? इसरो के वैज्ञानिक थे, इसरो के वैज्ञानिक, इसरो के वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक थे। अब ये क्यों चर्चा में आए? देखिए अरे देखिएगा, अपने पास में पूरा का पूरा आपको समझाया जाएगा। देखिए 1990 के दशक में आप देखने को मिलेंगे, 90-94 में इस एरिया के अंदर, इस टाइम पर्टिकुलर टाइम के अंदर हमने बात चली थी क्रायोजेनिक इंजन के साथ, क्रायोजेनिक इंजन की बात चली थी, क्रायोजेनिक इंजन की, कि इंडिया के पास भी क्रायोजेनिक इंजन होना चाहिए। तो लिखेगा क्रायोजेनिक इंजन 1994 के आसपास देखेंगे आपको, तो इंडिया का क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट में यूज में आता है, पूरा का पूरा बताया जाएगा बाद में जब कोई भी टॉपिक में आएगा, अभी यहाँ पे समझ लीजिए क्यों इतना ही। क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक इंजन को हमें प्राप्त करना था। अब ये प्राप्त करना था तो किसके थ्रू करना था? तो रूस ने इसके लिए हाँ कर दी थी साहब, रूस ने हाँ करा था कि हम देंगे साहब आपको, रूस ने हाँ कर दी थी, क्योंकि बेसिकली जो क्रायोजेनिक इंजन था केवल यूएसए और रूस के पास ही था, यूएसए और रूस के पास ही था, और हमारे रूस से संबंध नो डाउट कोई अच्छे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो रूस ने कहा था कि भैया हम दे देंगे, कोई टिकट वाली बात नहीं है, ठीक है साहब। अब जो कि अपने पास में नम्बी नारायण जी थे, ये उस टाइम में बहुत फेमस वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, इनको कुछ षड्यंत्रों में फंसा दिया गया, ये इस प्रोजेक्ट से संबंधित थे, ये क्रायोजेनिक इंजन वाले प्रोजेक्ट से संबंधित थे, इनको कुछ षड्यंत्रों में फंसा दिया गया और कहा गया कि यह इसरो की जो इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान को लीक कर रहे हैं, ऐसा इनके ऊपर आरोप लगाया गया, इनके ऊपर आरोप लगाया गया, आरोप लगाया गया, ध्यान के आरोप लगाया गया कि यह है कि ये इसरो की जो इन्फॉर्मेशन थी, इसरो के जो क्रायोजेनिक इंजन की इन्फॉर्मेशन थी, ये मिशन से रिलेटेड, क्रायोजेनिक इंजन से मिशन से इन्फॉर्मेशन आईएसआई को या पाकिस्तान को दे रहे थे साहब, ऐसा इनके ऊपर आरोप लगाया था, इनको फंसाया गया था। बेसिकली जो षड्यंत्र था, ये एक षड्यंत्र था, षड्यंत्र था, ध्यान रखिएगा, षड्यंत्र था जिसे इनको फंसाया गया था, ठीक है। बात करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे रूस हमको देने के लिए तैयार था, लेकिन अमेरिका के संबंध देखें उस टाइम पे हमारे साथ इतना छिन, आज तो देखिए $500 मिलियन के हमारे हेल्प कर रहा है, कोवैक्सीन वगैरह तो सॉरी कोविड पास कोरोना से लड़ने के लिए हमारे पास $500 मिलियन दे चुका है। देखिए एक सहयोग कर रहा है, मतलब आपने को वापस नहीं देने उनको पैसे, ध्यान रखिएगा, और वैक्सीन प्रोवाइड करवा रहा है, दुनिया भर की चीज़ें करवा रहा है, क्वाड का सदस्य हो चुका है, आज के संबंध थोड़े अलग है, पहले के संबंध थोड़े अलग थे। तो भैया रूस से कहा गया अब अमेरिका के द्वारा कि आप एक क्रायोजेनिक इंजन मत दीजिए, हम देंगे साहब, इंडिया से कहा कि हमसे लो, ठीक है। अब कीमत क्या थी, रूस जिस कीमत में हमें दे रहा था उससे कहीं ज़्यादा कीमत में क्या कह रहा था, हमारे पास अमेरिका हमको प्रोवाइड करवाने के लिए कह रहा था। तो भैया आप ही बताइए, एक चीज़ में एक जगह 100 रुपये, सेम चीज़ है, एक जगह में 100 रुपये मिल रही है, एक जगह में 50 रुपये मिल रही है, तो 50 रुपये वाली जगह जाऊँगा ना, 100 रुपये में क्यों जाऊँगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, रूस के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया साहब, और इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, और फाइनली जब ये सब कुछ चल रहा था, इसके बीच में क्या हुआ, नम्बी नारायण जी जो ऐसी इन्फॉर्मेशन आई कि नम्बी नारायण जी इसरो की जो इस मिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो क्या कर रहे हैं, लीक कर रहे हैं, पाकिस्तान को बेच रहे हैं, ऐसा उनको फिर बाद में क्या बाद में पता लगा ये षड्यंत्र था, उनको फंसाया गया। तो पूरा का पूरा आप देखेंगे यहाँ पे, हम समझेंगे उनके जीवनी में क्या क्या घटित हुआ, बड़े ही वीर आदमी, मतलब मान लीजिए ब्रेव है बहुत ज़्यादा, क्योंकि किसी आदमी के साथ में इतनी घटनाएं घटित हो जाए, उसको देशद्रोही जाने क्या क्या बोल दिया जाए, फिर वो टूट जाता है। देखिए टूट, एक तो आप देशभक्त, देश के लिए बहुत कुछ करें, ऊपर से वो देश ही आपको क्या करें, बाद में बोले कि यार ये तो देशद्रोही, तो काफ़ी सारी समस्याएं पैदा हो जाती है। हालांकि अभी एकदम फ्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनको कंपनसेशन भी दिया गया है और सम्मान भी किया गया है, इनका बहुत सम्मान भी किया गया, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है, गलती तो हमसे हो चुकी थी। बात करें आगे, देखिए एक महिला थी, एक मोहतरमा थी जिसका नाम था मरियम रशीदा, एक मोहतरमा थी मरियम रशीदा, ये मालदीव की थी बेसिकली, इनको क्या तिरुवनंतपुरम से अरेस्ट किया गया साहब, तिरुवनंतपुरम से अरेस्ट किया गया, और अरेस्ट किया गया तो पता लगा इनके पास में तो इसरो के जो मिशन था क्रायोजेनिक इंजन वाला उससे रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी, काफ़ी सारे पेपर्स थे, ठीक है। जब भैया बात किया गया तो अब भाई इनसे पूछा गया तो इन्होंने नम्बी नारायण इन साहब इनका इनका नाम वाम ले दिया। अब नम्बी नारायण जी को क्या कर दिया, बिना किसी सबूत के आधार पे, बिना किसी सबूत के आधार पे कुछ पुलिस वालों द्वारा उनको घर से उठा लिया गया, उनके साथ मारपीट की गई, उनको टॉर्चर वॉर्चर किया गया, ध्यान रखिएगा। फिर बाद में जब सीबीआई की जांच बटी,
बाद में जब सीबीआई की जांच पड़ी तो पता लगा कि भाई साहब यहाँ पे तो इनको क्या फंसाया गया है, इनको क्या क्या फंसाया गया है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, फैब्रिकेट किया गया है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं था इनका, ठीक है, दूर दूर तक इनका मतलब कोई भी किसी प्रकार का यहाँ पर नहीं था। तो उनको फिर क्या करते, कोर्ट ने फिर जो सीबीआई ने जो अपने अपने पास में रिपोर्ट प्रस्तुत की, सीबीआई के द्वारा जो जाँच की गई थी कोर्ट में प्रस्तुत की, तो कोर्ट ने इनको बाइज्जत बरी कर दिया साहब, बाइज्जत बरी कर दिया। अब थोड़ा और आगे बात करते हैं सब, लेकिन फिर क्या स्टेट गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अलग से इन्वेस्टिगेट करवाया, फिर पता लगा फिर से कुछ नहीं मिला उनको, तो फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इनको कंपनसेशन के लिए कहा और वापस कहा कि इनको छोड़ो और जो चार डगर सारे सारे हटाओ और इनको कंपनसेशन दो। फिर बाद में पता लगा इनको तकरीबन एक लोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन था वह बीच में आया और कहा कि साहब इनको क्या करो 10 लाख का कंपनसेशन दो, लेकिन इनको 1 करोड़ का कंपनसेशन दिया गया, 1 करोड़ का कंपनसेशन दिया गया। देखिए कितना हम पीछे हो गए साहब, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 1994 के अंदर हमारे पास में क्रायोजेनिक इंजन रूस से बातें चल रही थी, आराम से दे भी देता, इसी बीच में क्या इतनी सारी चीज़ें चल रही थी साहब, इनके ऊपर नाम आरोप आ गया। अब भाई रूस भी क्यों देगा साहब, रूस ने मना कर दिया कि हम भी नहीं देंगे साहब, अब रूस भी अपने पीछे हट गया, तो क्रायोजेनिक इंजन हमें आया ही नहीं हमारे पास। भाई अगर वो यहाँ पे आ जाता तो हम खोल खाल के देख दाख के, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे अपने पास वैज्ञानिक थे, खोल खाल के देख दाख के चेक करके हम खुद का ही डेवलप कर लेते, तो हमारे पास 1994 कब तक तो हो जाता, 3-4 साल में बन जाता हमारे पास, 12 साल लग गए कुछ सालों पहले हमारे क्रायोजेनिक इंजन, इतने टाइम हमारा वेस्ट हो गया। देखिए अगर ये कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई होती तो शायद हमारे पास में क्रायोजेनिक इंजन बहुत पहले आ जाता और इंडिया आज और आगे से निकल जाता स्पेस के सेक्टर में, हालांकि पहले से ही आ गए लेकिन और आगे निकल जाता ध्यान रखिएगा। अब तो आप लोगों को यहाँ पे देखने पड़ते हैं। अब क्या हुआ, इन्होंने 2017 में अपने पास में एक सुप्रीम कोर्ट के प्ली अप्लाई की कि साहब मेरे साथ में जो बदतमीजी की गई थी, बिना चार्ज से मुझे पीटा गया मारा गया, उन पुलिस वालों को क्या करना चाहिए, अपने पास में उनको पकड़ना चाहिए, उनको सजा देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यही किया है। अभी रिसेंटली सीबीआई इनके पास में बातचीत करने गई थी कि कौन कौन पुलिस वाले थे, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया है, उनके पास में गया जांच कमेटी बिठा दी गई है। तो इसलिए क्या न्यूज़ में था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपसे पूछा सकता है। लक्ष्मी नारायण जी इनके ऊपर फिल्म भी बन रही है जिसका नाम है रॉकेट्री, जिसका फिल्म का नाम है रॉकेट्री, बहुत अच्छी फिल्म होगी नो डाउट, इसमें मैंने अभी देखी नहीं है और शायद पता नहीं रिलीज भी हुई है कि नहीं हुई है, ट्रेलर जरूर देखा था मैंने इसका, जब मैंने इनका नाम पढ़ा था मैंने इसका ट्रेलर तुरंत देख लिया। रॉकेट्री इसके अंदर आर माधवन बहुत अच्छे एक्टर हैं ये नो डाउट, आर माधवन इसके अंदर एक्टर हैं। आपने अगर 3 डेज देखी होंगी ठीक है, तो उसमें 3 लोग होते हैं, तो आमिर खान होता है अपने पास, राजू रस्तोगी, सरमन जोशी और आर माधवन तीसरे चश्मे वाले, ठीक है, उनका जो करेक्टर का नाम है वो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो तीसरे जो व्यक्ति हैं वही आर माधवन है, उनके द्वारा ये रोल निभाया जा रहा है। तो आप देखिएगा काफ़ी अच्छी पिक्चर है, हो सकती है देखेंगे क्योंकि हमारे इतने फेमस पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। तो बात करते हैं साहब क्या है अभी के बारे में, क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं कि नाम्बी नारायण के संबंध में सत्य कथन है, यह एक अर्थशास्त्री है तो ऐसा नहीं, अर्थशास्त्री नहीं है, यह एक पत्रकार है नहीं, पत्रकार भी नहीं, यह एक वैज्ञानिक है, तो तीसरा लगा लीजिए सही एकदम, यह एक वैज्ञानिक है, बिल्कुल सही बात है, इसरो में ये भूतपूर्व वैज्ञानिक रह चुके थे, ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा आगे बात करते हैं, अब थोड़ा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किन देश, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन हालांकि अब तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा अभी आपको, कल रात को न्यूज़ आ गई थी वापस, लेकिन फिर भी अभी क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद में आपको पूरा समझाऊंगा, बहुत मज़ा आने वाला आपको। हाल ही में भारत ने किन देशों से आने वाले लोगों के लिए कोविशील्ड व कोवैक्सीन डोज अनिवार्य कर दिया गया। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, कल हमने देखा था ईयू ने अपने लिए ग्रीन पास निकाला था साहब, ईयू ने क्या लगा ग्रीन पास का डिज़ाइन किया था, ग्रीन पास दैट इज कॉल्ड अपने पास में ईयू डिजिटल, लिखेगा ईयू डिजिटल, मैं बताया था कल ईयू डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट था साहब, क्या था ये वैक्सीन पासपोर्ट था, पासपोर्ट था। तात्पर्य क्या है मेरा कहने का, इन्होंने क्या किया एक अपने पास में ग्रीन पास निकाला कि भैया कोई भी हमारे देश में आएगा साहब, कोई भी हमारे देश में आएगा अगर उसके पास में ग्रीन पास होगा तो वह बिना किसी रोक टोक के क्या कर सकता है, आराम से हमारे देश में आ सकता है। यूरोपियन यूनियन में लगभग 27 देश आते हैं साहब, इसमें 27 देश आते हैं ध्यान रखिएगा, 27 कंट्रीज जो आती हैं इसमें छोटी मोटी करके सारे उसमें आराम से घूम सकता है, उसको कहीं रोका जाएगा नहीं, उसको कहीं रोका टोका जाएगा नहीं। देखिए ग्रीन पास और ये ईयू डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट एक ही चीज़ है, दोनों में से किसी भी नाम से वैसे पूछा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए टेंशन वाली बात आपको लेने की जरूरत नहीं है ठीक है। तो इन्होंने ईयू वालों ने कहा कि भैया ईयू ने कहा कि जो हम 4 मेडिसिन हैं यहाँ पे, चार वैक्सीन को हम परमिशन दे रहे हैं साहब, वो 4 वैक्सीन को हम क्या कर रहे हैं परमिशन दे रहे हैं। अब थोड़ा आगे देख लेते हैं इसमें ढंग से, फिर आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए अपने ईयू ने क्या किया था कल, ईयू ने अपने पास में ग्रीन पास जारी किया 1 जुलाई से, ग्रीन पास जारी किया, इसको बोल सकते हैं और बोल सकते हैं इसको ईयू डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट। बेसिकली इसमें क्या था, इसमें ये देखना था कि भैया आपके पास में अगर दोनों डोज लग चुके हैं आपको, अगर आप स्वस्थ हैं तो आराम से इनके देश में कहीं भी जा सकते हैं, आपको कहीं क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा ध्यान रखिएगा,
तो चार वैक्सीन थी, चार वैक्सीन थी, चार वैक्सीन में कौन कौन थी देखिएगा आप, एक तो फाइजर थी, फाइजर थी, दूसरे पर जॉनसन एंड जॉनसन थी, जॉनसन वे जॉनसन थी, तीसरी अपने पास मॉडर्ना थी, मॉडर्ना थी, चौथी आपको पास देखने को मिलेगी अपने पास में एस्ट्राजेनेका की वैक्स जेवरिया, वैक्स जेवरिया एस्ट्राजेनेका की, ध्यान रखिएगा एस्ट्राजेनेका कंपनी है, एस्ट्राजेनेका ठीक, ध्यान रखिएगा। तो चार वैक्सीन को उन्होंने परमिशन दिया साहब, किसके द्वारा, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी के द्वारा अप्रूव किया गया इन चार वैक्सीन को। स्पुतनिक का नाम नहीं दूर दूर तक, ध्यान रखिएगा, हमारे तो खैर छोड़ो स्पुतनिक का भी नहीं है ठीक है, और अपने पास सिनवॉक अपने पास चाइना की जो अपने पास वैक्सीन है उसका भी नाम यहाँ पर नहीं है ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं साहब, अब इन चारों पर हमारे कोविशील्ड और यहाँ पर थी नहीं, तो क्योंकि कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका, ध्यान रखिएगा, कोविशील्ड और एस्ट्राजेनेका सेम पैटर्न पर ही बनती है ठीक है। कोविशील्ड जो अपने पास में एस्ट्राजेनेका का क्या है, इंडियन वेरिएंट है, भारतीय संस्करण ही है, ध्यान रखिएगा भारतीय संस्करण से है, मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ पर विकसित की गई, यहाँ पर बनाई गई, इस वजह से फिर उसको नाम अपने कोविशील्ड नाम दे दिया गया। बाकी है वो क्या, एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन बन रही है वैक्सीन जेवरिया वैसे सेम बिल्कुल है, सही है, कोई अंतर नहीं है इसके अंदर, ध्यान रखिएगा। थोड़ा आगे बात कर लेते हैं आप, अब इसके जवाब में क्या किया हम, अब देखिए अब इसका मतलब ये नहीं है, देखिए समझिए आप थोड़ा रुकिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देशवासी वहाँ पे नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा उसको जाने के लिए, सबसे पहले आप जब इंडिया से रवाना होंगे तो यहाँ पर RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए साहब, पहली बात तो नेगेटिव होनी चाहिए, यूरोप जा सकते हैं, यूरोप जाने की मना नहीं है, लेकिन वो पहले RT-PCR वो नेगेटिव होना चाहिए, जब वहाँ पे उतरेंगे वो फिर से RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा, वो नेगेटिव होना चाहिए, उसके बाद आपको करीबन 7 दिन का आपको क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा ठीक है, 7 दिन का क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए सब कुछ क्वालिफाई सब चीज़ें हो रही हैं तब आप आराम से यूरोप में घूम सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात कर लिए, अगर मान लीजिए आपका ग्रीन पासपोर्ट है ना तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब करने की आपको किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है, तो ये अंतर है, ध्यान रखिएगा। तो इंडिया ने क्या किया, तुरंत एक्शन लिया साहब, इंडिया ने तुरंत एक्शन लिया, इंडिया ने कह दिया चलो ठीक है तुम हमारे ये कर रहे हो, कोविशील्ड नहीं मान रहे हो, चलो कोई बात नहीं है ठीक है, एक काम करते हैं, इंडिया ने कह दिया ठीक है यूरोप से जितने भी लोग आएंगे ना अगर उनको कोवैक्सीन और कोविशील्ड में लगी ना, इसके अलावा कोई भी वैक्सीन लगी कोवैक्सीन और अपने पास में कोविशील्ड के अलावा दूसरी कोई वैक्सीन लगी तो हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तात्पर्य क्या है, हम उसको क्या परमिशन नहीं देंगे साहब घुसने की, फिर उनके साथ क्या अप्लाई करेंगे, सेम रूल ठीक है। यूरोप से मान लीजिए किसी ने फाइजर लगवा रखी है वो आया ठीक है, तो क्या करेंगे पहले उसको RT-PCR टेस्ट करेंगे साहब, दोनों लगे हुए हैं उसको डोज ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ वहाँ से रवाना होगा तो RT-PCR टेस्ट नेगेटिव लाना पड़ेगा, हालांकि वैक्सीन लगी हुई है उसके पास ग्रीन पासपोर्ट है लेकिन हम क्या रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, फिर यहाँ आएगा तो फिर से उस RT-PCR फिर उसको क्वारंटाइन रखेंगे साहब, ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास में कोविशील्ड और कोवैक्सीन नहीं लगी है तो, अगर आपको कोविशील्ड और कोवैक्सीन नहीं लगी तो हम आपके साथ में ये सेम करेंगे। तो भैया ये क्या था, जैसे ये चीज़ हुई तो सब आगे हड़बड़ा गया कि ये चल क्या रहा है, मतलब इंडिया देखिए इंडिया क्या है, आज की तारीख में देखेंगे ना आप, डिप्लोमेटिक पावर बहुत अच्छी है इंडिया के पास में, जो है ना पहले से ही भगवान का जैसा दिया, देखिए सब कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास में क्या है, दिमाग बहुत है, नो डाउट हमारे पास हो सकता है पैसा कम हो, गरीबी हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारे पास दिमाग में कमी नहीं है किसी प्रकार की, डिप्लोमेटिक पावर हमारे पास में जैसे जो हमारी कूटनीति पर काफ़ी अच्छी रहती है समझ, तो ठीक है। अब देखिएगा आप, तो हैंड टू हैंड हमने क्या कर दिया, ये चीज़ लगा दी साहब सेम यूरोप के ऊपर, जस्ट जिन्होंने हमारे साथ जो किया हमने उनके साथ वैसा कर दिया साहब, सिंपल कर दिया साहब ठीक है। अब जैसे वो तो यूरोप के देशों में हड़बड़ी मच गई, तो मुख्य 7-8-9 देश थे, उन्होंने कहा कि हाँ हम कोविशील्ड भी मान रहे हैं, तुम टेंशन मत लो, आ जाओ तुम तो लिए, उन्होंने एक परमिशन दे दी खुद के लेवल पे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जरूरी नहीं है कि सारे सारे हो, ये तो सबके यूरोपियन यूनियन के लिए अगर वो चाहें तो खुद के लेवल पर परमिशन ग्रांट कर सकते हैं कि भैया हम इस वैक्सीन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ये भी लोग आ सकते हैं बिना कोई टेंशन के लिए ठीक है, ध्यान रखिए बिना किसी टेंशन के आ सकते हैं, लोग घूम सकते हैं हमारे पास। तो जो इंपॉर्टेंट 9 देश थे, इंपॉर्टेंट जो 9 देश थे यूरोपियन यूनियन के अंदर, जहाँ बेसिकली हमारे इंडियंस जाते हैं, वो सारे के सारे क्या कर दिए वहाँ पर हमारे वैक्सीन, मतलब उनको वैक्सीन को, उन्होंने हमारी वैक्सीन को मान लिया कि आराम से आइए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें फ्रांस की बहुत अहम भूमिका थी। देखिए फ्रांस हमारे लिए इतना क्यों कर रहा है, देखिए मैं आपको बताया था, देखिए फ्रांस हमारे लिए इतना क्यों कर रहा है, देखिए हमें पनडुब्बी इनसे ले रहे हैं साहब, पनडुब्बी आप देखेंगे हमारे पास में, मैंने बताया था प्रोजेक्ट 75 के अंदर कि यहाँ पर हमारे कैलवरी जो पनडुब्बियाँ थी सारी यहीं से आई थी, स्कॉर्पियन पनडुब्बी थी उसके आप देखेंगे सारी अपने पास में क्या जो भी टेक्नोलॉजी थी सारी फ्रांस से ली थी। अभी रिसेंटली हमने बात की है वापस 75 आई डीजल पनडुब्बी, तो हो सकता है वापस फ्रांस को चल जाए ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से फ्रांस के हमारे लिए वहाँ पे काम करता था, मतलब समझ लीजिए सारे के जो हम बातचीत करेंगे तो वहाँ पर हमारे लिए माहौल बनाने का काम करता है फ्रांस, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए क्या गया, सारे जो केस है साहब को समझा दिया है पूरा, तो फिर वहाँ पर 7-8 जो भी 9 देश थे उन्होंने सबका रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया साहब, इंडिया की जो वैक्सीन है कोविशील्ड हम उसको रिकॉग्नाइज कर देंगे ठीक है। तो ये क्या था, अब देखिए अब ये पूरा अब एक टर्म यहाँ पर निकल आती है जो वैक्सीन नेशनलिज्म, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपसे कभी पूछा जाता है, वैक्सीन नेशनलिज्म क्या है कि भैया हमारे देश की वैक्सीन को
ही मानेंगे, और जो किसी देश की दूसरे देश की जो बनाई गई है उसको देश की वैक्सीन नहीं मानेंगे साहब। तात्पर्य क्या है, मतलब जैसे कि कोविशील्ड है, कोवैक्सीन हमारे देश में बनी है, अगर किसी दुनिया में किसी व्यक्ति को कोविशील्ड और कोवैक्सीन लग रही हो तो ही वो हमारे देश में आ सकता है, कोई दूसरी लग रही हो तो हम नहीं आ सकते, दैट इज कॉल्ड वैक्सीन नेशनल। तो ये नहीं होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, ये बहुत समस्या हो जाती है। जैसे आपने देखा यूरोपियन कंट्रीज और भारत के बीच में, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। हालांकि यूरोपियन कंट्रीज ने अभी तक, और खास बात क्या है, चाइना के द्वारा अभी तक वहाँ पर कुछ नहीं किया गया, चाइना की जो वैक्सीन है सिनकोव उसको अभी तक वहाँ पर से क्या किया गया, रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। लेकिन भारत की कर लीजिए, क्योंकि भारत की जो कूटनीतिक पावर है ना काफ़ी अच्छी है, भारत की जो राजनीतिक समझ है ना वो काफ़ी अच्छी है। तो ध्यान रखिएगा, अब थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाल ही में भारत ने किन देशों से आने वाले लोगों के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन डोज अनिवार्य, देखिए अनिवार्य का तात्पर्य ये नहीं है कि उनको लगवा कर ही आना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा ये मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा, अनिवार्य का तात्पर्य ये कि वो आ तो सकते हैं, वो आ सकते हैं, लेकिन उनको क्या पूरी प्रोसेस से निकलना पड़ेगा, आ सकते हैं लेकिन उनको पूरी प्रोसेस से क्या करके RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा, RT-PCR टेस्ट करवाना, 7 दिन का क्वारंटाइन रखना पड़ेगा, नेगेटिव आने के बाद की स्थिति है, पॉजिटिव आने के बाद सिचुएशन अलग है, ठीक है। तो देखिए ओपेक देशों के द्वारा, ओपेक के कंट्रीज कौन से थे मैं बताऊंगा आपको, EU के देशों के लिए, ब्रिक देशों के लिए, इनमें से कोई, तो EU के देशों के लिए, EU के देशों के लिए इन्होंने ऐसा कर दिया था, ध्यान, क्योंकि सेम जो उन्होंने किया हमारे साथ हमने उनके साथ सेम कर दिया था। हालांकि अब काफ़ी चीज़ें हद तक सुधर चुकी हैं, क्योंकि काफ़ी देश जो EU की कंट्रीज हैं वो रिकॉग्नाइज कर चुके हैं कोविशील्ड को, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब EU कहाँ पड़ता है ये भी देख लीजिए, लगे हाथ मैप पर देख लीजिए आप कि यूरोपियन यूनियन में कौन कौन से देश आते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा इलाका है, ये क्या है, यूरोप है, ये क्या यूरोप कहलाता है साहब। मैप पे जाएंगे तो आपको ये पूरा पूरा इलाका यूरोप दिखेगा साहब, यूरोप दिखेगा, और यूरोपियन यूनियन के अंदर आपको ये सदस्य देखने को मिलेंगे 27, इसके अंदर मेंबर्स हैं 27, आपको मेंबर्स देखने को मिलेंगे इसके अंदर 27 मेंबर्स, ध्यान रखिए 27 मेंबर्स है इसके अंदर, और इसके अंदर ब्रिटेन है वो इसका सदस्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन ने ब्रेग्जिट के माध्यम से इसको छोड़ दिया था, लीव कर दिया था साहब ब्रेग्जिट के माध्यम से, लिखिएगा ब्रेग्जिट, ये भी लिख लीजिए कि पूछा जाता है ब्रेग्जिट क्या है, आपसे कभी पूछ सकते हैं ब्रेग्जिट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ब्रेग्जिट क्या है, कि इंग्लैंड की अपने पास में यूरोपियन यूनियन से अलग होने क्या कहता है, ब्रेग्जिट कहलाता है। देखिए ये पूरा का पूरा आप देखेंगे कौन कौन सदस्य आते हैं इसके अंदर, तो स्वीडन देख लीजिए, आपने फिनलैंड देख लीजिए, क्या स्कैंडिनेविया अपने पास में, और यहाँ पे एस्टोनेशिया, लत्विया अपने पास है, पोलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, तो इस प्रकार फ्रांस अपने पास में, काफ़ी सारे 27 कंट्रीज आती हैं, ठीक है। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नाम रखकर, 27 कंट्रीज का नाम आपसे कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा ना, कितने मेंबर है ये पूछ सकता है, बस केवल इतना पूछेगा। अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अब। हाल ही में ये भी देखो छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर आपसे पूछ सकता है, नॉर्मली पूछ लेगा लेटकू कहाँ का अपने पास फल है, क्या क्या फल है, तो इससे ज़्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि अपने पास में थोड़ा टाइम कम है, और अगला अपने को क्वेश्चन देखने वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में लेटकू फल को दुबई निर्यात किया गया, यह किस साथ संबंधित, आसाम संबंधित है, आसाम से संबंधित, और लेटकू है जो क्या है अपने पास में, अंगूर की एक टाइप है, अंगूर की एक, पहले देखेंगे हम आसाम कहाँ पड़ता है भारत के अंदर, अंगूर है जैसा अंगूर आता है उसी का एक टाइप है अपने पास में, देखेंगे आसाम पहले कहाँ पड़ता है। देखिए आसाम काफ़ी अब चर्चा में रहा है, इस बार हम देखेंगे आसाम काफ़ी चर्चा, ये देखिए अंगूर टाइप से होता है, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, ये लेटकू है, ठीक है। अब बात करते हैं सब, सबसे पहले इंडिया के मैप पर आसाम कहाँ आता है, इंडिया के तो आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में आपको आसाम देखने को मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में आपको आसाम देखने को मिलेगा, सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया के अंदर अपने आसाम भी आता है, ध्यान रखिए सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया में आसाम भी आता है। आगे बात करते हैं, अब आसाम की बॉर्डर किस किस राज्य से मिलती है भारत के वो देख लेते हैं, तो आप देखेंगे सबसे पहले अपने आसाम के अंदर अरुणाचल प्रदेश से मिल रही है साहब, ठीक है, नागालैंड से मिल रही है साहब, मणिपुर से मिल रही है साहब, मिजोरम से मिल रही है साहब, त्रिपुरा से मिल रही है साहब, मेघालय से मिल रही है, देखिए ध्यान रखिए छः की छः सेवन सिस्टर्स हैं उनमें छः की छः की जो बॉर्डर है आसाम से मिलती है, और किससे मिलती है साहब, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे देखिए वेस्ट बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल है, थैंक यू, ठीक है, वेस्ट बंगाल है, और यहाँ पे सिलीगुड़ी है, सिलीगुड़ी यहाँ पे देखो मिलता है, हमको ध्यान रखिएगा वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल से मिलती है। तो कितने देश, कितने अपने राज्यों से, सात राज्यों से होगी साहब, सात राज्यों से होगी, मैंने बताया था आपको सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया में सिक्किम काउंट नहीं करते हैं दोस्तों, सिक्किम काउंट नहीं करते, ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है ये बात, ठीक है। अब इंटरनेशनल बॉर्डर्स बनाता है क्या आसाम, तो देखिए इंटरनेशनल बॉर्डर्स बनाता है किसके साथ में, केवल और केवल भूटान के साथ में, केवल और केवल भूटान के साथ में और बांग्लादेश के साथ में, सॉरी बांग्लादेश के साथ में, दोनों के साथ में अपने क्या क्या वो बनाता है, भूटान और बांग्लादेश के साथ में क्या सीमा बनाता है, म्यांमार वगैरह के साथ में सीमा नहीं बनाता है, ध्यान रखिएगा म्यांमार वगैरह के साथ में सीमा नहीं बनाता दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे किसी चीज़ बता, ये तो क्यों बता रहा हूँ, कभी भी आपसे ये बॉर्डर के जो क्वेश्चन है ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, और एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, ऐसे मुंह उठा के किसी तरह की महाराष्ट्र की सीमा किसके से बनती है बताओ, ऐसा नहीं पूछेगा वो, करंट में जो चीज़ चल रही होगी, घटित घटनाएं घटित हो रही होंगी वहीं से पूछेगा वो, इसलिए मैं आपको यहीं वेंट क्लियर कर दे रहा हूँ। तो ठीक है ये अपने पास में लेटकू है, ठीक है ध्यान रखिएगा ये लेटकू है,
लेटकू है ये क्या है, अमेरिका अंगूर है, ये अंगूर की प्रजाति है, अंगूर के है टाइप है। इसको दुबई भेजा गया है, इसको दुबई निर्यात किया गया है, इसलिए क्या न्यूज़ में था। ठीक है, इसके बारे में मैं इतना जाने ज़्यादा आने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, यही पूछेगा आपसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइबर सुरक्षा सूचकांक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया के लिए एक और गर्व की बात है साइबर सिक्योरिटी वाला, आप उसको समझा जाऊँगा अच्छे से। ठीक है, साइबर सुरक्षा सूचकांक, साइबर सिक्योरिटी में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के द्वारा, ठीक है, एजेंसी के द्वारा अपने पास में ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जारी किए, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जारी किए गए थे दोस्तों। उसमें इंडिया का स्थान 10वां आया था, उसमें इंडिया का स्थान क्या आया था, 10वां आया था, ध्यान रखिएगा कितना आया था, 10वां आया था। थोड़ा हम आगे इसमें पूरा समझ लेते हैं, एक बार पहले पानी पी लिया जाए थोड़ा सा, एक बार फिर आपको पूरा का पूरा साइबर सिक्योरिटी के बारे में बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं साहब साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। ठीक है, तो अभी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जारी किया गया है साहब, इंडेक्स जारी किया है जिसमें जो किसके द्वारा किया जाता, सबसे पहले तो लिखेगा किसके द्वारा, बाय किसके द्वारा, यह पूछा जाता है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, तो इसको ITU बोलते हैं, ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा क्या है, सूचकांक अपने पास में जारी किया गया है। जैसे भारत की लिखेगा, भारत की जो रैंक है टॉप रैंक पे, पहले बात करते हैं, फर्स्ट रैंक पे हमारे पास में USA है और सेकेंड रैंक पे हमारे पास में UK है, और भारत टॉप 10 देशों में आ गया, 10वें स्थान पर हमारे पास में कौन सा है, अपने पास इंडिया है साहब, इंडिया है 10वें स्थान पर। आसपास के पड़ोसों की देखिए बात करें तो 33वें स्थान पर कौन है हमारे पास में, चाइना है, 33वें स्थान पर हमारे पास चाइना है, और पाकिस्तान की बात करें 79 स्थान पर है पाकिस्तान। ठीक है, ये अपने पास में साइबर सिक्योरिटी के बारे में काफ़ी सारा ये। अभी साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, देखिए साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं साहब, साइबर सिक्योरिटी वैसे होती क्या है। देखिए अपने पास में आज का युग जो है कंप्यूटर का युग है, डेटा वेटा चोरी हो जाता है, आपके पास में क्या साइटें हैंक हो जाती है, तो उनसे सुरक्षा करने के लिए अपने पास में साइबर सिक्योरिटी का नाम दिया गया है। जैसे कि आपने रिसेंटली देखा था, मैंने पढ़ाया भी था, एयर इंडिया के अंदर मैंने आपको बताया था, एयर इंडिया का डाटा लीक हो गया था, मैंने आपको इस बारे में बताया भी था, पूरा समझाया था मैंने। ठीक है, एरियल इंडिया का अपने पास में डाटा लीक हो गया, जनवरी से लेकर कुछ फरवरी मार्च तक के डेटा से सारे के सारे लीक हो गए थे, फिर उन्होंने कहा भी था इसे घबराने वाली बात नहीं है, तो ये दैट इज कॉल्ड साइबर अटैक है, ये हमारे पास का साइबर अटैक हो रहा है। फिर आप कहेंगे सर हमारा 10वां स्थान कैसे आ गया, फिर आप कहेंगे साहब हमारे पास साइबर अटैक होते रहते हैं, 10वां स्थान कैसे आ गया। देखिए आजकल इंडिया क्या कर रहा है, जो भी जितने भी बड़े बड़े साइबर सिक्योरिटी वाले देश है, जैसे कि अपना USA हो, UK, इनके साथ में हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, दूसरा क्या है, हम क्या रूल लेकर आ रहे हैं नए, क्या जैसे कि इंडिया का डेटा यहीं पर रहेगा, जैसे व्हाट्सएप से हमने कहा था कि भाई तुम क्या काम करो यहीं पर सर्वर डालो साहब, ठीक है, बाहर सर्वर आप नहीं डाल सकते, आपको यहाँ का डेटा यहीं रखना है, बाहर लेकर नहीं जाना है। काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, जैसे अपने पास में पबजी को मैंने बैन कर दिया, पबजी को पहले हम पहले क्या 47 पे स्थान पर ध्यान रखिए, हम पहले 47 का स्थान था मार, देखिए कितनी बड़ी छलांग मारी हमने, क्योंकि हमें सख्त कदम नहीं उठाया है, 47 रैंक थी हमारी, सीधे हम 10 पे आ गए, हमने कहा सख्त कदम उठाए, जैसे कि मान लीजिए पबजी वगैरह से गेम में होंगे उसमें क्या डाटा वाला लीक होने का खतरा था कि भैया ये चाइना में डाटा जा रहा है, हमने कहा कि नहीं यहीं बनाना पड़ेगा और आपको फिर यहीं सर्वर बनाना पड़ेगा, उसके बाद में आप यहाँ पे काम कर सकते हो, तो हमने फिर चीज़ें लेकर आ रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, दैट्स वाई हमारा क्या है यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के अंदर हम क्या टॉप 10 में आ चुके हैं। दूसरा रीजन क्या है कि हम ऐसे देशों के साथ में काम कर रहे हैं मिलकर जो साइबर सिक्योरिटी के अंदर पहला दूसरे स्थान पर रहते हैं, पास में हुआ जैसे फ्रांस 9वें स्थान पर, हमसे पहले फ्रांस है, देखिए कितने विकसित देश हमारे ऊपर है केवल। ठीक है, तो इंडिया काफ़ी अच्छे इसमें कर रहा है। राम राम जी, बिल्कुल शास्त्री जी, राम राम जी, गुरु जी कैसे हैं शास्त्री जी आप, ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें फिर, हाँ ये देख चुके हैं 10वां स्थान प्राप्त किया है, अगला उसका क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इस स्थान को, इतना पूछा सकता है एग्जाम में।
अगला आप क्वेश्चन देखेंगे, यही था ना। अगला क्वेश्चन है हमारे पक्ष में, नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? नेशनल तो ये भैया 1 जुलाई को मनाया जाता है, इसका कारण क्या होता है? आप पहले नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा इसी दिन पे जीएसटी डे मनाया जाता है, जीएसटी डे मनाया जाता है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज डे, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज डे, क्योंकि यहाँ पे 1 जुलाई से स्टार्ट किया गया था, आप देखेंगे 1 जुलाई से अपने पास में जीएसटी भी स्टार्ट किया गया था, दैट्स व्हाई जीएसटी डे के रूप में मनाता है, गुड्स एंड सर्विसेज डे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डे। बताओ टैक्स के लिए भी डे मनाना पड़ता है क्या? चलो ठीक है, मजाक कर रहा था, ऐसा नहीं है, जीएसटी डे है अपने पास में मनाया जाता है, वो भी 1 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद कर लीजिएगा। अब थोड़ा बात करते हैं डॉक्टर्स डे के बारे में साहब, डॉक्टर्स डे के बारे में मनाया जाता है, ठीक है, देखिए डॉक्टर्स डे अपने पास में किन किस प्रति मनाया जाता है, किन के सम्मान में मनाया जाता है, तो वो देखेंगे अपन, देखिएगा आप सबसे पहले कि जो अपने पास में डॉक्टर विधान चंद्र रॉय थे, विधान चंद्र रॉय थे, इनकी स्मृति में मनाया जाता है। देखिए क्या थे, ये बहुत ही महान चिकित्सक थे, नो डाउट महान चिकित्सक, जीएसटी डे भी 1 जुलाई को, हाँ बिल्कुल तिवारी जी, जीएसटी डे भी 1 जुलाई को मनाया जाता है, ध्यान रखिए। विधान चंद्र रॉय थे, ये कहते हैं महान चिकित्सक थे ही साथ में बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे और इन्होंने अपनी सेवाएं करीबन 12 वर्ष या 14 वर्ष के आसपास दी थी, मेरे को 14 वर्ष के आसपास इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी, और इनको आधुनिक बंगाल का जनक भी बोला, जो आधुनिक बंगाल आप देखते हैं, मॉडर्न बंगाल देखते हैं, उनका निर्माता इनको ही बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। और इनकी स्मृति में खास बात कह दें कि इनकी जो जन्म हुआ था वो भी 1 जुलाई को ही हुआ था, और जो इनकी जो पुण्यतिथि है जब इनकी मृत्यु हुई थी, स्वर्ग को पधार गए थे, वो भी 1 जुलाई को ही पधार गए थे, दैट्स व्हाई इनके सम्मान के लिए जो इनके कार्य किए गए उनके लिए 1 जुलाई को अपने क्या कहा, नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। अभी डॉक्टर्स डे क्यों मनाया जाता है, देखिए डॉक्टर जो आज की तारीख में देखिए कोरोना में कितना इफेक्टिव है, कितना लोग अपना अपने बिना किसी अपनी जान के, कई बेचारे डॉक्टरों ने तो अपनी जान भी गंवा दी है लोगों की जान बचाने के लिए, तो कितना पुण्य का काम करते हैं, कितने समाज की सेवा काम करते हैं, कुछ लोग ना डॉक्टर्स को बदनाम भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, काफी सारे लोग मतलब बिना वो किसी बिना किसी, ठीक है आप कुछ बोलते हैं कि यहाँ पैसा लेते हैं वो लेते हैं, ठीक है वो अलग बात है, लेकिन बिना किसी भाव के सेवा भी करते हैं, देखिए वो अपनी जान पर कोरोना में वो भी बैठ सकते थे घर पे डॉक्टर भी बैठ सकते थे ना कोरोना में, लेकिन उनकी ड्यूटी है, उनकी वो ड्यूटी है, वो पूरा उन्होंने ड्यूटी फुलफिल की है, इसलिए उनको सम्मान देना चाहिए, बिल्कुल वो रेस्पेक्ट के लायक है और आप उनको रेस्पेक्ट देनी भी चाहिए, ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर का सम्मान आपका करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए आप ध्यान रखिए। और वो क्या जीवनदाता ही है, देखिए आप देखिए डॉक्टर ही जान बताता है, ठीक है माना कि हमारे सब बोलते हैं कि भगवान के हाथ में होता है, भगवान के हाथ में होता है, लेकिन ठीक है, लेकिन डॉक्टर भी कुछ करता है, डॉक्टर भी अपना योगदान देता है, और डॉक्टर जब योगदान नहीं देगा तो भगवान के हाथ में भी कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्फ, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं थोड़ा आगे, तो भैया डॉक्टर्स को सम्मान देने के लिए स्टार्ट किया गया था, देखिए अब अमीन के बारे में देख लेते हैं हम थोड़ा, अपने पास विपिन चंद्र, अपने पास विधान चंद्र जी रॉय के बारे में हमने बताया था, सेकंड सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल थे, ठीक है, अब कम जब हुआ था इनका 1882 में जन्म हुआ था, और इनका जन्मदिवस को ही नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है, नेशनल डॉक्टर्स के रूप में मनाया जाता है, इन्होंने 5 सिटीज़ का निर्माण किया, तभी तो इनको क्या बोलते हैं, इनको अपने पास में क्या क्या लिखे हुए हैं आपने, आपको पूरी सीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस पहला कदम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है आपके, पूरी सीरिया देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पहला कदम चलेंगे शास्त्री जी, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है बात करते हैं थोड़ा आगे, तो इन्होंने अपने वेस्ट बंगाल के अंदर काफ़ी सारी सिटीज़ का निर्माण किया, जैसे दुर्गापुर हुआ, कल्याणी हुआ, विद्यानगर हुआ, ठीक है अशोकनगर हुआ, हाबरा हुआ, तो देखिए काफ़ी सारे इनको इसलिए ही इनको क्या मॉडर्न जो आप देखेंगे वेस्ट बंगाल उसका निर्माता बोला जाता था, ठीक है आगे थोड़ा और बात कर लेते हैं, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें टेस्टेबल हॉस्पिटल वगैरह भी खुलाए, लेकिन बेसिकली आपको ध्यान रखिएगा इनका जो अपने पास में बर्थडे है इसी वजह से इनके बर्थडे को सर कुछ डॉक्टर तो लूट लेते हैं पैसे, हाँ देखिए फिर वही बात मैंने आपसे इसलिए तो मैंने मेंशन किया था कि आप 10% लोगों की वजह से 90% लोगों को जज नहीं कर सकते, 10 लोग अगर मान लीजिए बुरे हैं इसका मतलब ये नहीं कि 90% लोग भी बुरे हैं, ठीक है इसलिए आप कभी जज मत कीजिए, कई ऐसे डॉक्टर्स हैं वास्तव में बहुत मतलब उनका पैसा से कोई मतलब नहीं होता, पैसा तो उन्होंने खूब कमा लिया, वो केवल सेवा ही प्रोवाइड करते हैं, देखिए आप देखिए किस प्रकार से उन्होंने काफ़ी सारे डॉक्टर्स ने हमारे राजस्थान में भी जान चुरा चुकी काफ़ी सारे डॉक्टर्स की, तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है बात, ठीक है थोड़ा आप इनको हम ये सब पॉलिटिकल चीज़ें इनको हम ध्यान नहीं देंगे, ठीक है बेसिकली जो काम है हमारा वो बता दिया गया मैंने आपको, तो डॉक्टर डे कब सेलिब्रेट होता है अपने पास में 1 जुलाई को, 1 जुलाई को अपने पास जीएसटी डे भी सेलिब्रेट होता है, ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारत के किस राज्य में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया जाएगा, सबसे लंबे देखिए एशिया के बोल रहा हूँ, एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का निर्माण किया, तो लिखेंगे आप क्या इसके अंदर, इसका आंसर है इंदौर एमपी के अंदर। अब आप मेरे से पूछेंगे सर ये काम क्या आता है, ये सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक, देखिए क्या होता है अपने पास में टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स होती है उसमें विभिन्न प्रकार के टेस्ट करने के लिए काम में आते हैं सब ये ट्रैक, टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स होती है उनमें विभिन्न प्रकार के, ये देखिए आपको जो दिख रहा है सामने आपके
ये क्या है हमारे पास में, एशिया का सबसे लंबा, एशिया का सबसे लंबा टेस्ट ट्रैक है, जाने के का टेस्ट ट्रैक है ये एशिया का सबसे लंबा। अब खास बात क्या है यहाँ पे अपने पास में, अपने पास फोर व्हीलर और टू व्हीलर दोनों ही, सोलर और टू व्हीलर दोनों के ही विभिन्न प्रकार के टैक्स हो, जैसे कि टैक्स टेस्ट हुए आपको पूरी, अच्छा चलो सॉरी, विभिन्न प्रकार के अपने पास में टेस्ट देखने को मिलेंगे। टेस्ट तात्पर्य क्या है, मतलब ब्रेकिंग का देखने को मिल जाएगा कि ऐसे ब्रेक व्रेक सही तो है ना, स्पीड कितनी हाईएस्ट ले जा सकता है इसमें, अपने पास में एक्सेलरेशन कितना है, इसकी बैलेंसिंग तो ठीक है ना, ये सब चीज़ें टेस्ट करने के लिए अपने क्या है यहाँ पे, आपका टेस्ट ट्रैक बनाया गया है साहब, यहाँ पे टेस्ट ट्रैक बनाया गया। और इसके कुछ स्पीड्स लिमिट्स हैं वो भी देख लेता हूँ आपको, स्पीड्स है जैसे कि अपने पास 250 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से, 250 किलोमीटर पर आवर मिनिमम स्पीड से 375 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आराम से यहाँ पे गाड़ियाँ चलाई जा सकती है साहब, आराम से गाड़ियाँ चलाई जा सकती है। देखिए आप ना इतनी स्पीड से किसी नॉर्मल अपने पास में अगर उस पर चलाएंगे रोड पे, तो ठीक है तो संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि वो इस प्रकार से डिज़ाइन नहीं किए जाते हैं, लेकिन ये ट्रैक कुछ इस प्रकार से ही डिज़ाइन किया जाता है, अब इसका जो नाम दिया गया है वो अपने पास में नेट ट्रैक्स के नाम से नाम दिया गया है। इसका फुल फॉर्म आप देखेंगे, इसका फुल फॉर्म आपके पास में है नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था अभी एमपी इंदौर के अंदर, ध्यान रखिएगा, पूरी क्वेश्चन समझा दिए यहाँ पे, टू व्हीलर और फोर व्हीलर की टेस्टिंग के लिए इसको यूज़ में लिया जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा ट्रैक यहाँ पर हमारे पास देखने को, लंबा ट्रैक सॉरी, एशिया का सबसे लंबा ट्रैक हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब अगली क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन अब कहाँ पर है मैंने बता दिया, मध्य प्रदेश में साहब, इसका आंसर रहेगा मध्य प्रदेश में। अगला बात करते हैं नीति आयोग के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का क्या नाम है। देखिए अमिताभ कांत साहब हैं, राजीव कुमार जी उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। अपने पास वी के सारस्वत जी और नरेंद्र सिंह तोमर, ये सब यहाँ पे मेंबर सदस्य हैं साहब, ये पूर्णकालिक सदस्य हैं, यानी कि सब मेंबर हैं। तो अमिताभ कांत जी क्या हैं अपने पास में, सीईओ हैं नीति आयोग के। नीति आयोग के बारे में बता चुका हूँ आपको, क्या है इसकी फुल फॉर्म वगैरह, ठीक ध्यान रखिएगा, आपको नीति आयोग के बारे में काफ़ी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। देखो अब यहाँ से कल शुरुआत करेंगे नीति आयोग के बारे में, मैं आपको कल और भी चीज़ बताऊंगा नीति आयोग के बारे में, ठीक है। यहाँ से हम कल शुरुआत करते हैं, आज ये अपने पास अमिताभ कांत जी हैं, क्योंकि नीति आयोग का एक बहुत अच्छा टॉपिक है और मैं इसे छोड़ नहीं सकता, हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ एक बार फिर से आपको पढ़ा दूँ, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें काफ़ी चीज़ पढ़ेंगे। ये अमिताभ कांत साहब है हमारे पास में, अभी न्यूज़ में क्यों था साहब अमिताभ कांत, क्योंकि जिनका कार्यकाल था वो एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया साहब, जो कार्यकाल था रिटायर होने वाले थे, कार्यकाल एक वर्ष बढ़ा दिया था साहब, इस वजह से ये न्यूज़ में थे, ठीक है। तो अब हमारे पास में एक तो ये क्वेश्चन बचा है लास्ट का, हमारा एक क्वेश्चन बचा है ये वाला बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओपेक कंट्री में कल बात करूँगा इस बारे में आपको, ठीक है। तो नीति आयोग के बारे में कल डिस्कस करेंगे साहब आपसे, पूरा एक बार नीति आयोग ढंग से पढ़ेंगे फिर से अच्छे से, हालांकि पहले पढ़ा चुका नहीं, और ढंग से अच्छे से पढ़ेंगे साहब। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, करंट के साथ में आपका स्टैटिक पार्ट है ना उसको भी पूरा क्लियर करता चला, हालांकि हो सकता है हमें समय लगे, हो सकता है हम कम क्वेश्चन कर पाए अपेक्षा दूसरों की तुलना में, लेकिन हम क्या हमारा क्वालिटी कंटेंट पे नजर रहते हैं, ठीक है, कि मैं आपको जो पढ़ाऊँ अच्छे से पढ़ाऊँ, सारी चीज़ें सही पढ़ाऊँ, एकदम आपके एग्जाम में जो आने वाले हैं उन चीज़ों को आपके बारे में बताऊँ, ठीक है। अब यहाँ से स्टैटिक पार्ट अगर आपका कवर हो जाता है तो आपको क्या करने का, वापस बुक्स खंगालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा का सारा करंट के साथ स्टैटिक पार्ट में यहाँ पर कवर कर ही दे रहा हूँ। अगर हमने देखा था भारत के न्यायवादी के बारे में जैसे पढ़ा, तो हमने क्या कहता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, देखिए हमने केवल इतना नहीं पढ़ा कि वेणुगोपाल जी का कार्यकाल बढ़ाया गया, ना हमें ये नहीं पढ़ा, हमने पूरा का पूरा अटॉर्नी जनरल पढ़ा था, क्यों, क्योंकि जरूरी है, अगर स्टैटिक क्लियर नहीं होगा तो आप करंट कैसे करोगे, आप केवल नाम पढ़ के चल जाओगे, क्या पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या करेंगे इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने पास स्टैटिक जीके भी अपन पूरा कंप्लीट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम यही क्लास को खत्म करते हैं, आपसे मिलेंगे कल, और होप अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ओके सर जी खान जी बिल्कुल सर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कमेंट में आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।